जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ नासा की तरफ से बहुत ही तगड़ी खबर आ रही है। नासा ने यहाँ पे अपडेट दिया है कि उनको सिग्नल यहाँ पे मिल चुके हैं लैंडर के थ्रू। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने डीप स्पेस नेटवर्क DSN के साथ भारत के चंद्रमा लैंडर तक सिग्नल भेजने और संपर्क स्थापित करने में लगातार कोशिश कर रहे थे। ये लोग यहाँ पे विक्रम लैंडर से संपर्क बन चुके हैं, नासा ने बना लिए हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ है नासा, और नासा ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ पे इसरो को एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी विक्रम को रेडियो सिग्नल भेज रही है। इसरो में एक अधिकारी ने बताया चंद्रमा के विक्रम के साथ संचार लिंक फिर से स्थापित करने में प्रयास किया जा रहे थे। और वहाँ पर प्रयास कम से कम 20 से 21 सितंबर तक किए जाएंगे, जब सूरज की रोशनी उस क्षेत्र में होगी जहाँ पर विक्रम उतर रहा है। और इसे इसरो बेंगलुरु के पास बयालुल में अपने भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क DSN के जरिए विक्रम के साथ संचार स्थापित करने में कोशिश कर रहे थे। खालिलविदा स्कॉट टाइली ने भी ट्वीट कर विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित होने की प्रबल संभावना जताई है, जहां पर टाइली ने 2018 में अमेरिकी के मौसम उपग्रह वेदर सैटेलाइट को ढूंढ निकाला था। यह इमेज सैटेलाइट नासा द्वारा 2000 में लॉन्च की गई थी। इसके 5 साल बाद इसके संपर्क टूट गया था। और जो कि दोस्तों हमने आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो डीप सिग्नल यहाँ पे आप लोग का मिल चुका है, यहाँ पे नासा ने अपना सिग्नल यहाँ पे बना लिया है। और दोस्तों आपको इसके लिए और भी खबर बता देते हैं कि लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे मिशन पूरा होते हुए दिखाई नजर आ रहा है, जहाँ पे सिग्नल मिल चुके हैं। और दोस्तों कभी भी यहाँ पे आपके पास खबरें आ सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो विक्रम लैंडर के थ्रू जो यहाँ पे सिग्नल्स मिले थे उसमें आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है यहाँ पे। और नासा और आपको बता दें यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि नासा का लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर विक्रम लैंडर के बारे में कोई नई जानकारी दे इस बात से करते हुए अमेरिकन अंतरिक्ष की एजेंसी नासा ने लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर LRO के प्रोजेक्टर साइंटिस्ट नोआ ई पेत्रो ने बताया कि चांद पर शाम होने लगी है और हमारा LRO विक्रम लैंडर की तस्वीर तो लेगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि स्पष्ट आएंगे कि नहीं, क्योंकि शाम के सूरज की रोशनी कम होती है और ऐसे में चांद की सतह पर मौजूदा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से तस्वीर लेना चुनौतीपूर्ण काम होगा। लेकिन जो भी तस्वीरें आएंगी वो इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में आपको शेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया DSN 24 एट गोल्डस्टीन स्टार्ट्स अर्ली जस्ट बिफोर लोकल मूनराइज सिग्नली विक्रम लैंडर। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो मतलब कि सिग्नल्स को वहाँ पे मिलने लगे हैं, वहाँ पे इसके यहाँ पे बताया गया बहुत ही अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, कैच होने शुरू हो चुके हैं वहाँ पे। और इसरो के इसमें बहुत बड़ा हाथ है इसरो का, और इसरो को यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे उपलब्धता मिली है। और यहाँ पे आज के दिन ही उन लोग को पूरा मिला इस चीज़ का।